जमुना किनारा रोड रामेश्वर मंदिर पर मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व मोहब्बत की नगरी आगरा में जमुना किनारा रोड पर भोलेनाथ की झांकिया से मंदिर को सजाया गया। वहीं भोले की भक्ति कार्यक्रम संयोजक राम मोहन पराशर ने कहा कि भगवान भोलेनाथ सबसे भोले भगवान है। भगवान भोलेनाथ को पूरा विश्व उनकी भक्ति सरोव है। भगवान भोलेनाथ के दर पर जो भी भक्त आस्था दिखाता है भगवान भोलेनाथ उस पर कृपा जरूर करते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के शुभ अवसर पर रामेश्वर धाम मंदिर परिसर में सुंदर सुंदर झांकियां तथा जागरण से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया गया, वहीं प्रसाद भी वितरण किया गया। मैं राम पाराशर राम भाई बट मैं जमुना का नारा श्री गोपाल दास जी का मंदिर रहा है वहाँ जमुना सीताराम जी का। ये दो दिवसीय प्रोग्राम यहाँ हुआ है, दो दिवसीय शिवरात्रि महामहोत्सव जो कि शुरू से 350 में प्राचीन मंदिर है हमारा, प्राचीन परंपरा चली आ रही है उसी का निर्माण हुआ है। आज पर्व आ गया बाबा का, आज जागरण हुआ, कल हम लोगों ने जागरण किया, आज जो है उसकी हम लोगों की भाषा में बोला जाए तो आज मैया द्वारा के यहाँ जो आगमन है उसकी खुशियां मनाई जा रही है मंदिर के अंदर। झांकियां हैं, सुंदर कांड का पाठ है, प्रसाद का वितरण है, ठंडाई का वितरण आपके नाम चल ही रहा है, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम यहाँ हुए हैं और हो रहे हैं। झांकियां करीबन जी 20 से 25 लोगों का पूरा जो ग्रुप है, इसमें भगवान शंकर की झांकी है, भगवान हनुमान जी की झांकी है, राधा कृष्ण जी की भी झांकी है, काली माँ की भी झांकी है, विभिन्न झांकियां है। करीबन 25 से 30 लोगों का ग्रुप है जो आया हुआ है, तय कर रहा है पूरा। महाशिवरात्रि के अवसर पर किस तरह का महसूस होता है हिंदू धर्म में? देखिए हिंदू धर्म सनातन धर्म एक एकता का और एक कॉम्प्लीमेंट का प्रतीक हम लोगों को देता है, और शिवरात्रि महाशिवरात्रि ऐसा पर्व है जिसमें चाहे अमीर हो गरीब हो छोटा हो बड़ा हो शराबी हो कबाबी हो सब लोग एक दूसरे को बाबा का जो सभी अंग है वो तो उनका एक अंग नहीं है विभिन्न अंग है तो सभी रूपों को सम्मिलित करके त्योहार स्वार्थ बनाते हैं। और होली का आगमन जो हो रहा है फाल्गुन समय में वो होली का जय बोले की। हमारा नाम मीना शर्मा है और ये हमारा हमें बड़ा ही आनंद आ रहा है और यहाँ पर भगवान भोले की झांकी, कृष्ण भगवान की झांकी, राम जी की झांकी, सबका आनंद ले रहे हैं सभी लोग और सब आपस में मिलजुल कर हम लोग मिलते हैं तो एकता का प्रतीक हो रहा है। सनातन धर्म में संदेश जा रहा है कि हम सबों को एकजुट होकर हिंदुत्व को बढ़ावा देना है और हमारे लिए सभी धर्म समान है, ये नहीं कि हम कोई हिंदू है कि मुसलमान है, हम सबके साथ परस्पर प्रेम भाव